Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम continue करते हैं chapter 14 respiration in plants और ये हमारी part 5th video का A part है. Because part 5th video में हमने क्या पढ़ा था? Electron transport chain और electron transport chain का जो 5th complex है that is आपका ATP synthase वो हम इस video में पढ़ेंगे. प्लस हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिवाइज करेंगे. तो ये जो दो डायग्राम्स आप देख रहे हो ये आपका डायग्राम है कॉम्प्लेक्स 5 का और कॉम्प्लेक्स 5 का नाम है एटीपी सिंथेज. तो एटीपी सिंथेज फर्दर दो सब यूनिट्स में डिवाइडेड है, F1 सब यूनिट एंड F0 सब यूनिट. अब जो आपकी F0 सब यूनिट है वो एम्बेडेड है इनसाइड द मेम्ब्रेन. तो वो एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो एम्बेडेड है आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे. और कौन सी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे. तो हमने ईटीसी में पढ़ा कि हमारे जो मैट्रिक्स पोर्शन है वहां से हमने सभी प्रोटॉन्स को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में. अब ये जो आपका एटीपी सिंथेज है ये क्या करेगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन्स को वापस मैट्रिक्स में ट्रांसफर करेगा. क्योंकि ईटीसी पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि जब प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इंक्रीज हो रही है तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट कर रहा है जिसकी हेल्प से आपका एटीपी सिंथेस एक्टिवेट होगा और हाइड्रोजन को वापस मैट्रिक्स में रिलीज करेगा. तो आपका F0 पोर्शन एटीपी सिंथेस का वो पोर्शन है जो आपकी लिपिड बायलेयर में मींस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है. फिर आती है आपकी F1 यूनिट. F1 यूनिट वो है जो फेस कर रही है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को. तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है. यहाँ सब यूनिट्स हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा. तो ये सब के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगी कि कैसे यहाँ इन सब यूनिट्स में आपका एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी को जनरेट करते हैं साइमल्टेनियसली जब आपका हाइड्रोजन आयन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आता है. तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आपका एटीपी सिंथेस का. आपकी बुक में बहुत सिंपल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है जिसमें सिर्फ F0 और F1 यूनिट दिखाई है. दिखाया है कि आपका हाइड्रोजन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आ गया और आपका एटीपी जनरेट हो गया. तो वो जो मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाया वो कॉम्प्लेक्स डायग्राम था आपके एटीपी सिंथेस का. क्योंकि ये एक एंजाइम है तो एंजाइम डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना है तो उसका डिटेल स्ट्रक्चर कुछ वैसा दिखता है जैसा मैंने आपको बताया. तो जैसा हमने डायग्राम में देखा एटीपी सिंथेस आपका कॉम्प्लेक्स 5 है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग एटीपी. उसमें दो मेजर सब यूनिट्स हैं F1 सब यूनिट एंड F0 सब यूनिट. तो जो आपकी F1 सब यूनिट है वो क्या है? हेड पीस, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो आपका किस तरफ है? मैट्रिक्स की तरफ है. और ये एटीपी को फॉर्म कर रहा है फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. आपका जो F0 है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है दैट फॉर्म्स द चैनल थ्रू विच प्रोटॉन्स क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन. तो ये हेल्प कर रहा है प्रोटॉन्स को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में लाने के लिए. तो जब आपके प्रोटॉन्स ट्रांसफर होंगे तभी आपका प्रोडक्शन होगा एटीपी का. तो आपकी बुक में बताया गया है कि हर एक दो हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स जब आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में जाएंगे तो एक एटीपी का प्रोडक्शन होगा. इसका मतलब एक एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें दो हाइड्रोजन आयंस की जरूरत है जो पास होंगे आपके F0 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से, फिर F1 में और फिर आपके मैट्रिक्स में पहुंचेंगे. तो जो आपका एटीपी सिंथेज है इससे हम रिवर्स फंक्शन भी करा सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी फोर्स टू रन इन रिवर्स बाय कंज्यूमिंग एटीपी टू प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन ग्रेडियंट. मींस वापस मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो हाइड्रोजन है उसे भेजा जा सकता है. तो ये तो बात हो गई आपके एटीपी सिंथेसिस की जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी. तो हमने एटीपी सिंथेसिस देखा आपके एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में. इन केस ऑफ एनिमल्स में हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा कि ये कैसे हो रहा है. और प्लांट के केस में जो एटीपी सिंथेसिस था वो हमने पढ़ा था जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे आपके चैप्टर 13 में. तो हमने उसमें देखा कि कैसे फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी,
जब LHC कॉम्प्लेक्स को हिट करती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और फिर उस इलेक्ट्रॉन से आपके NADPH, ऑक्सीजन और डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। तो वहाँ जो रिएक्शन था वो हो रहा था आपके क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपके थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हमने देखा कि कैसे हम ल्यूमेन से स्ट्रोमा में वापस हाइड्रोजन्स को रिलीज कर रहे हैं। मेन डिफरेंस जो यहाँ पे है ATP सिंथेसिस का, कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी मेम्ब्रेन में हो रहा है, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपके प्रोटॉन्स आए ETC के दौरान, फिर आपके प्रोटॉन्स को वापस ATP सिंथेस ने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में भेजा जिससे ATP बना। बट आपके फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स में जब ATP सिंथेसाइज होता है, जो केमो ऑस्मोसिस आपका प्रोसेस है, वहां पे आपके ल्यूमेन में प्रेजेंट थे सारे हाइड्रोजन आयंस और वो सभी प्रोटॉन्स को ट्रांसफर किया गया ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जब आपका ATP सिंथेसाइज हुआ। तो एक बार आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम रिवाइज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जिसमें ETC हो रहा है, वो आपके चार मेजर कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और 4। और इसके अलावा हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो कि कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C है। हमारा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो एक्चुअली ATP सिंथेसाइज कर रहा है वो है ATP सिंथेस। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जो आपका ATP सिंथेसिस का प्रोसेस है, दैट इज केमो ऑस्मोसिस, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आपके कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डीहाइड्रोजिनेज। इसके अंदर आपका FMN एंड FES है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो कि आपका डेरिवेटिव है विटामिन B2 का, और FES इज आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। तो ये ट्रांसफर कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, NADH को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने ट्रांसफर किए आपके ubiquinone को, और यहाँ जो आपका कॉम्प्लेक्स 1 है, ये चार प्रोटॉन्स को रिलीज करता है इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो NADH से आ रहे हैं। सेकेंड आपका होता है कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है FADH2 डीहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है वो है आपका FADH2, और आपके FADH2 और NADH कहाँ से आए? क्रेब साइकिल से। तो इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स दिए आपके ubiquinone को, तो कॉम्प्लेक्स 1 और 2 ubiquinone को ही आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, जो लेके जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 3 के पास। तो यहाँ पे भी FADH2 ऑक्सीडाइज हो गया FAD में, बट आपका कॉम्प्लेक्स 2 एक भी प्रोटॉन रिलीज नहीं करता इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। आपका जो ubiquinone है, जिसे हम कोएंजाइम क्यू भी कहते हैं, ये एक लिपिड सॉल्यूबल फ्रीली मूवेबल आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो ये कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन्स देता है। इसके दो और फॉर्म्स हैं, ubiquinone से ये कन्वर्ट होता है सेमीक्यूनॉन में, और फिर ubiquinol जो कि इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो ये पूरी एक क्यू साइकिल है जिसकी हेल्प से ये हर बार एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचाता है, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके। थर्ड जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो इसमें साइटोक्रोम B, C, आपका हीम ग्रुप, आपके आयरन सल्फर सेंटर प्रेजेंट है, तो इसमें Fe2 से Fe3 में रिडक्शन होता है और आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 चार प्रोटॉन्स को सेंड करता है आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कॉम्प्लेक्स 3 लास्ट में आपके इलेक्ट्रॉन्स किसे दे रहा है? अब साइटोक्रोम सी में। तो साइटोक्रोम सी आपका अटैच होता है आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और वो लेके जाता है कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में। आपका कॉम्प्लेक्स 3 ने भी चार प्रोटॉन्स रिलीज किए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच गए? आपके कॉम्प्लेक्स 4 में, जिसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अब इसमें आपका साइटोक्रोम प्रोटीन सी है, A3 है, कॉपर आयंस है CuA एंड CuB, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं और देते हैं ऑक्सीजन को। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑक्सीजन के पास पहुंचेंगे, वो रिड्यूस होगा और बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और इसी के साथ आपका जो कॉम्प्लेक्स 4 है वो रिलीज करेगा
दो हाइड्रोजन इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो टोटल 10 हाइड्रोजन हमने सेंड करे, जिससे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना, जिससे आपका एटीपी सिंथेस दैट इज कॉम्प्लेक्स 5 एक्टिवेट होगा और आपका एटीपी का सिंथेसिस करेगा। तो इसके साथ हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाली वीडियो देखनी है तो वो आपकी पार्ट 5 वीडियो है। पार्ट 5 के ए पार्ट में हमने एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस समझा था। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ़ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।